भगवान की आस्था को लेकर कुछ लोग इतने अंधविश्वास में चले जाते हैं कि अपने शरीर को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि आस्था के नाम पर शरीर के साथ खिलवाड़ करने से न सिर्फ शरीर अपंग बन सकता है बल्कि जान भी जा सकती है। भगवान की आस्था को लेकर कुछ लोग इतने अंधविश्वास में चले जाते हैं कि अपने शरीर को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि आस्था के नाम पर शरीर के साथ खिलवाड़ करने से न सिर्फ शरीर अपंग बन जाता है बल्कि जान भी जा सकती है। नवमीं पर्व के दौरान अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान के मंदिर के सामने किसी ने अपनी जीभ काट कर चढ़ा दी, पर धर्म और अध्यात्म से जुड़े लोग हमेशा ये कहते हैं कि इस तरह से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता है। आस्था के बीच अंधविश्वास की घटना जबलपुर में गुरुवार को देखने को मिली, जहाँ 55 वर्षीय महिला ने अपने घर में बने मंदिर के सामने ब्लेड से जीभ काट ली। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने तुरंत ही महिला के बेटे को बुलाया। घटना गवारी घाट थाना के चौधरी मोहल्ले की है। हमारे यहाँ घर में मतलब कुल 9 देवी का मंदिर है, जिसमें से मेन प्रथम शारदा देवी हैं। और हमारी मम्मी पूजा करती थी, तो उन्हें पता नहीं, घर वालों को भी बताया नहीं जीप चढ़ाने के लिए कि मैं जीप चढ़ाऊंगी, तो बताया नहीं। तो आज बैठकी मतलब नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन है जे मैं काम पे गया हुआ था और मम्मी पूजा करने के लिए बैठी, तो पूजा करने के लिए बैठी, पता नहीं कैसे उनने जीप काटी ब्लेड से और जीप चढ़ा दी। उनके बाद क्या हुआ कि हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, उनने देखी तो हमको फ़ोन किए, तो मैं कान से देखा, तो आके देखा तो मम्मी सो रही थी और जीप चढ़ी हुई थी। फिर मैंने, हमारे पंडित जी हैं जो घर पर आते हैं, वो आके बोले कि देखे दाखे, तो वो बोले कि आप अभी इनको रहने दीजिए, वो माता रानी की कृपा से सही हो जाएगा। तो मैं मम्मी जी को हॉस्पिटल के लिए बोल रहा था, तो मम्मी जी भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी, बोलती कि माता जी सब ठीक कर देंगे। मम्मी का नाम है कुसुमबाई चौधरी, राजा चौधरी, मैं उनका पुत्र हूँ।